नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज व्लॉग बड़ा ही अलग तरीके से हो रहा है। रोज़ मैं डेली घर से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी बट आज थोड़ा अलग है। सो बेसिकली आज वर्किंग डे है, मतलब आज वीकेंड नहीं है, बट हम लोगों का आज कुछ प्लान बन गया है और बहुत सडन प्लान बना है, कल ही बना है मतलब। तो बेसिकली क्या हो रहा था ना कि बहुत टाइम से मेरा बहुत मन था गेट अवे करने का। से मेरा कैसा फंडा है कि आप गेट अवे करने के लिए इन सिटी, मतलब मुंबई में भी कहीं भी अच्छे से होटल में जाकर के स्टे कर सकते हो और ऐसे ऐसे करके। मैं उसको बड़ा बोलती थी पहले भी, तो ये बोलता था वहीं उसी शहर में जिस शहर में अपना घर है वहाँ रहने का लॉजिक क्या होता है। इतना ओके नहीं था उस चीज़ के लेकर के, तो ठीक है फिर हमने कभी किया भी नहीं। इस बार क्या हुआ ना, मेरा बहुत टाइम से बीच लोकेशन पे जाने का बहुत मन था बट अभी वेदर बहुत गंदा है, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप कहीं भी बीच लोकेशन पे जाओगे तो आप उल्टा और अच्छा फ्रेश होने की बजाय एग्जॉस्ट होकर आ जाओगे। सेकेंड ये डिसाइड हुआ कि काम करते हैं बीच रिजॉर्ट, जैसे ये जुहू पे जो होटल्स हैं, JW मैरियट, नोवोटेल वगैरह हो गया, वहाँ जाके रुकते स्टे करते हैं। तो वहाँ के लिए विक्की रेडी हो गया इस बार, ठीक है। पता नहीं कैसे उसके मन में क्या आ गया, क्यों रेडी हो गया कि चलो ठीक है रुकते हैं। और जब वो रेडी हो गया तो मैं वो हो गई कि यार सही बात है, एक ही शहर में जो हमारा घर है अच्छा खासा और कंफर्ट में हम रह रहे हैं, तो फिर वहाँ जाकर के स्टे करने का लॉजिक क्या बनता है। तो अब क्या हुआ, फिर हमने कहा चलो कहीं तो जाना है तो चलो लंच पे चलते हैं, बूफे लंच करके आते हैं, बहुत टाइम से कहीं गए नहीं है। तो आज हम लोग वहीं पे जुहू में लंच बूफे करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद मैं ना ऐसी रिव्यू वीडियोज़ देख रही थी तो हमको एक और जगह बहुत अच्छी पता चली है जहाँ पर सात्विक फूड मिलता है एंड बिना अदरक लहसुन का। मतलब मुझे लहसुन बिल्कुल गर्मी में नहीं खा पाती, मैं ठंड में खा लेती हूँ पर बहुत मुझे बेकार लगता है लहसुन अदरक वाला खाना, बहुत पसंद नहीं है मुझे। मेरा वैसे ही गर्म तासीर है तो मेरे को सूट भी नहीं होता, हमारे घर पे चलता भी नहीं था, तो इसलिए ठंड में फिर भी चल जाता है बट ऐसे गर्मी में नहीं खा पाती हूँ मैं। हाँ तो एक सात्विक जगह हमको पता चली है जहाँ पर प्रॉपर सात्विक फूड मिलता है। अब वो देख करके मेरा इतना मन हो रहा है वहाँ जाने का, तो आज तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं, JW मैरियट जा रहे हैं, देख के आते हैं यहाँ पर कैसा क्या है। और मैं अपन कभी नहीं गए ना JW, वहाँ पे क्या है बीच लोकेशन भी रहेगा, लंच करेंगे 3:30 बजे तक का बुफे का टाइम है, उसके बाद फिर 4-4:30 बजे हम लोग थोड़ा बीच पे भी जाएंगे पीछे, फिर आएंगे घर, ऐसा हमने सोच के रखा है, आएंगे सोएंगे घर पे ही अपने। सो यस वहीं जा रहे हैं, तो आप लोगों को लेके चलती हूँ अपने साथ और देखते हैं कैसा खाना है, क्या है सब कुछ है। हमने बुक कर दिया है 2 टेबल, क्यों हालांकि हम लोग वीकडे में जा रहे हैं बट स्टिल उस बंदी से जब मैं पूछ रही थी चीज़ें कि कितना वेज है कितना नॉन वेज का क्वान्टिटी है, बिकॉज यू ऑल नो दैट ना मैं नॉन वेज खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। और जब से मैंने ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखी है तब से मैंने एग खाना भी छोड़ दिया है, मतलब मैं बताऊंगी उसके पीछे का भी रीज़न। मतलब जब से थोड़ा पढ़ने लगी हूँ मैं शास्त्र वास्त्र और ये सारी चीज़ें, तब से मेरा एग भी मेरे अंदर देखना, तो मतलब मुझे उसकी, अब पहले मैं खाती थी जबकि खाने लगी थी बट अब मेरे से बिल्कुल भी नहीं खिलाता है, 7-8 मंथ से ऊपर हो गया है, मैंने एक एग का दाना आने वाला मुंह में नहीं रखा है, तो ऐसा हो गया है मेरे साथ। एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी ना, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, बस वो बात मेरे अंदर बैठ गई और मैंने खाना छोड़ दिया। वैसा हुआ है, तो चलिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी बज रहा है 1 बज रहा है, मैंने उसको 2 बजे तक का टाइम दिया है रिसेप्शनिस्ट को। और प्लीज़ मुझे बताना मेरा शेड्स बहुत अच्छा लग रहा है ना, मतलब बुरा तो बोलना ही मत, बस यही बताना कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और ये रहा विक्की, हैरान परेशान है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ओके गाइस, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं बट उससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर विद यू फ्यू थिंग। बेसिकली हम लोग फेस के एक्ने, पिगमेंटेशन और स्कार्स के बारे में तो बहुत बात करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बट बॉडी के बारे में हम हमेशा भूल जाते हैं। एंड आई एम श्योर देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका स्पेशली ऑयली स्किन है, उन लोगों को बैक एक्ने होता होगा, बॉडी पे भी स्कार्स एंड पिगमेंटेशन होता होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट, ये है द डर्माको के बॉडी वॉशेज, अलग अलग बॉडी इशूज के अकॉर्डिंग लॉन्च करे गए हैं। यहाँ पर बात करने वाली हूँ 1% कोजिक एसिड डेली ब्राइटनिंग बॉडी वॉश की। तो ये जो बॉडी वॉश है इट हैज द पावर ऑफ 2 एक्टिव्स, 1% कोजिक एसिड एंड अल्फा अर्बुटीन। बेसिकली कोजिक एसिड क्या करता है, आपके डार्क स्पॉट्स को लाइटन अप करता है, जो पिगमेंटेशन उसके अपीयरेंस को कम करता है, मेलेज्मा को ट्रीट करता है। अल्फा अर्बुटीन क्या करता है, हाइपर पिगमेंटेशन जैसे कि डार्क स्पॉट्स, मेलेज्मा, एक्ने मार्क्स जो होते हैं उनके अपीयरेंस को लाइटन अप करता है। ये जो बॉडी वॉश है ये सल्फेट फ्री आता है, तो ये जो सल्फेट फ्री फॉर्मूला है इज ऑल्सो पावर्ड विद Pentavitin, a potent hydrating ingredient that works to retain the essential moisture of your skin. Natural barrier को ये maintain करता है even after frequent showering, leaving your skin with bright and
नरिश्ड कम्प्लेक्शन। जो बॉडी वॉश ये बेसिकली क्या करता है, आपके डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करता है, पिगमेंटेशन को लाइटन अप करता है, आपको इवन एंड ब्राइट स्किन प्रोवाइड करता है एंड आपके बॉडी को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, डीपली क्लेंस करता है और ब्राइटन अप करता है आपकी स्किन को। बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि जो आपकी जो बॉडी एक्ने है इट इज बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ योर बॉडी, तो उसके लिए आप ये वाला बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं, परसेंट सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश। ये जो बॉडी वॉश है ये सल्फेट फ्री है, इसकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है मेक्स इट परफेक्ट फॉर डेली बाथिंग रूटीन। तो आपको इनको यूज कैसे करना है, बिल्कुल पी साइज अमाउंट लेना है अपने जो भी लूफा है आप यूज करते हैं एंड उसको अपने बॉडी पे लगा लेना है एंड यस इट वर्क्स रियली रियली ग्रेट। अगर आपकी बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है तो ये है 1% सेरामाइड ओट कॉम्प्लेक्स डेली हाइड्रेटिंग बॉडी वॉश। ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है तो आप ये वाला वेरिएंट ले सकते हैं। तो आप अपने बॉडी इशू के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी बॉडी का कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रोडक्ट्स की लिंक दे दूंगी, स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट द डर्माको की वेबसाइट पे। ये जो प्रोडक्ट्स हैं यार फ्रेग्रेंस फ्री एंड डिजाइन बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप जब भी द डर्माको का कोई भी प्रोडक्ट द डर्माको की वेबसाइट से परचेस करेंगे, द डर्माको विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉज है। आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ ही साथ आप एक बहुत अच्छे कॉज को कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। So yes, अब चलते हैं व्लॉग की तरफ। ओके गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं भयंकर ट्रैफिक था और ये हम लोग पहुंच चुके हैं JW मैरियट। तो सबसे पहले तो मैं इस बात से शॉक थी कि इतना सारा रश कैसे हो सकता है वीकडेज में। तो जैसे हम आए वैसे आई गेस बहुत सारे लोग ये सोच के आए होंगे कि वीकडे में जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वॉशरूम चेकआउट कर रही थी एंड आई लव द एम्बियंस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो हमने गेट अवे का रखा था इसका ऑप्शन तो वो रख सकते हैं। विक्की ने फिर यही सेकंड थॉट सोचा था कि पहले अपन लंच पे चलते हैं, ये पूरा देख लेंगे और फिर अच्छा लगेगा, तो बाद में यहाँ पर फिर वीकेंड वगैरह पे या जब भी हमको स्टे करना होगा वहाँ पे आ जाएंगे। सो दिस वाज द फूड। तो डेफिनेटली स्टार्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे और कुछ चीज़ें देखो, जब आप बुफे करने के लिए जाते हो तो जो भी आप पे करते हो अमाउंट उसमें सब चीज़ टेस्टी नहीं होती है, तो 50-50 का रेशो मैं बोलूँगी कि मुझे 50% चीज़ें बहुत अच्छी लगी, 50% चीज़ें मुझे ओके लगी। ये पास्ता था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो पास्ता का तो अब तक मुंबई में मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो अरोमा बिस्ट्रो का ही लगता है। एंड उसके बाद फिर मैंने चाट का प्लेटर मंगवाया था जो कि ओके था, बहुत टेस्टी नहीं था बट हाँ ज़्यादा बुरा भी नहीं था, अच्छा था, मतलब खाने लायक था, पास्ता से तो वे बेटर था ये। फिर उसके बाद वेजिटेरियन कबाब था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था एंड अगेन आई एम ईटिंग चाट। मुझे ऐसा है कि भाई देसी खाना मैं एनी वेज प्रेफर करती हूँ ओवर एनी थिंग। तो बस विक्की और हम दोनों वही डिस्कस कर रहे थे, मैंने हर चीज़ मतलब एक एक चीज़ मैंने चखी जो भी वेज में थी ऑब्वियसली। ये पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा के नाम पे मजाक है, तो मैंने तो नहीं खाया था ये, विक्की नहीं खाया था। उसके बाद डेजर्ट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे थे, सारे डेजर्ट मैंने एक 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 थोड़ा थोड़ा लिया और विक्की और हम दोनों ने खाया है, तो हमने अच्छा पेल के खाया, मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ तो पैसा वसूल गया। उसके बाद हाँ जो मेन कोर्स था वो काफ़ी टेस्टी था, दाल सब्ज़ी रोटी सब कुछ बहुत अच्छी थी और डेजर्ट भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। गाइस तो अभी ना बस ऐसा लग रहा है इतना सारा खा लिया है कि अब ऐसा लग रहा है कि बस सोया जाए, लिटरली ऐसा लग रहा है कि सो लिया जाए, बट ठीक है मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आराम से चिल मार रही हूँ और निकलते हैं हम लोग। एक्चुअली हम लोग इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से होटल से एक्सेस नहीं है बीच का, सिर्फ जो लोग यहाँ रुकेंगे तो एक्सेस मिल रहा है, ऐसे वो लोग एक्सेस नहीं दे रहे बाहर जो सिर्फ अला कार्टे और बुफे करने के लिए आया है। अदरवाइज़ मैं मेन ना यहाँ पे गेट अवे करने के लिए आना चाह रही थी, बट नाउ आई थिंक कि इट्स वर्थ इट, मतलब आना चाहिए इधर पे, अच्छा लग रहा है, बहुत एम्बियंस वाइब यहाँ की बहुत सही है। और कुछ नहीं तो मतलब यहाँ बैठे बैठे मैं सबको देख रही हूँ, उसी में मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ, बस मैं सबको देख रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, शांति से बैठी हुई हूँ। तो अब जा रहे हैं वापस घर, मतलब घर क्या हम लोग ऑलमोस्ट थाने पहुंच चुके हैं। कैसे गई थी मैं और कैसे आ रही हूँ, मतलब लिटरली इतना ज्यादा थक गए हैं, थक मेन हमको खाना खाने के बाद, तो देखो नींद वैसी आती है, पर से जब मैं बूफे वगैरह में खाती हूँ ना तो मैं ज्यादा खाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना पैसा दिया है तो मैं पैसा वसूल तो कर लूँ, तो ऐसा होता है कि मैं लिटरली एक्स्ट्रा खा लेती हूँ और कि वैसा तो मैं इतना ज़्यादा खा लेती हूँ, तो मैं एकदम आराम से बैठ गई थी, मुझे वैसी बहुत नींद आ रही थी। ये विक्की को देखो, इसकी हालत देखो विक्की की भी, तो उसके बाद हम जू भी चले गए, तो इतनी आज तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रश था,
इतना वर्किंग डे में भी दिन में इतने लोग थे, मुझे लगता है गर्मी की छुट्टियां हैं तो लोग आते होंगे घूमने फिरने के लिए, वो वाला एक सीन होगा। और दूसरा, इतना गंदा पानी हो रहा था, इतना गंदा बीच हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर हमने एक एक जगह जाकर के एक दो पिक्चर्स वगैरह खींचे वहाँ पर, और उसके बाद पूरी मैं चिप 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 हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने ना वॉच वॉच उतार के फेंकी क्योंकि मुझे इतना बॉडी में वो लग रहा था। फिर फटाफट हमने पानी लिया, पैर वैर धोए क्योंकि आज हाई टाइड भी था। नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे ना तो ताज का एक बार ट्राई करेंगे। हमने अलग आटे ताज में खाया है 2-3 बार और बिल भी अच्छा खासा तगड़ा बनता है सिंपल खाना खाने का। लेकिन अब एक बार बूफे वहाँ का ट्राई करने का मन है तो वहाँ का बूफे ट्राई करेंगे। तो यस, पहुँच गए हम लोग घर, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ा बाद में। तो नेक्स्ट डे हम लोगों के यहाँ टीनू आई थी सरप्राइज देने के लिए। हमको पता था कि वो वीकेंड पे आने वाली है, बट उसने एक रात पहले हमको मना कर दिया हमको सरप्राइज देने के चक्कर में कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी, मुझे काम है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो हम नेक्स्ट डे ये सोचे थे कि अरे वो तो नहीं आएगी, बट फिर वो दोनों आ गए थे और फिर हम लोग निकल गए थे। तो बेसिकली वो लोग इसलिए भी आए थे, उन लोगों को नाइकी के एयर जॉर्डन लेना था और उनको फैक्ट्री स्टोर से लेना था क्योंकि थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिल जाता, बट अनफॉर्चुनेटली पोपट थोड़ा सा उनके साथ कुछ हो गया जो कि अभी आपको आगे पता चलेगा। ओके, तो टीनू और सैम जो है ना वो लोग पुणे से स्पेशली आए थे यहाँ पर जॉर्डन लेने के लिए। और जब हम लोग इस शॉप पे आए तो यहाँ पर इन लोगों को ये पता चल गया कि जॉर्डन नहीं है। मुझे जो हंसी आ रही है ना उनको देख करके, गॉड बोलती सैम के मजे लगे। टी-शर्ट ही ले ले, आप टी-शर्ट ही ले ले, तो पुणे से आए हो तो कुछ तो ले लो। चप्पल भी ढंग की नहीं है। मैं जैसे डालू की तुम्हारा स्टेटस था पुणे से आए जॉर्डन लेने, आग लगा दो इनसे। तो नाइकी के स्टोर में अच्छा खासा पोपट हो जाने के बाद हम लोग निकल गए सीधे आइकिया। तो उन लोगों को जैसा विक्की का वर्क टेबल है ना वैसा टेबल चाहिए था, ताकि सिटिंग जॉब वालों के लिए तो यार और वर्क फ्रॉम होम कोई कर रहा है तो वो क्या होता है पूरा अप एंड डाउन हो जाता है, तो वो सही रहता है। तो बस वहीं के लिए हम लोग आए थे और क्योंकि वीकेंड था तो बाप रे बहुत रश था आइकिया में। फिर हमको दिन में लंच के लिए भूख लगी, बट यहाँ का क्वालिटी फूड देख करके सब ने मना कर दिया कि नहीं खाते, बाहर चल के ही खाएंगे कहीं पे अच्छी जगह पे। तो हम लोगों ने तो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं खरीदा है एक्चुअली, उन दोनों को लेना था। वो लोग फर्स्ट टाइम इस वाले आइकिया में आए थे, वो हैदराबाद वाले। तीनों पहले हैदराबादी रहती थी ना तो वहाँ का तो अटेंड ऑब्वियसली कर चुके हैं 2-3 बार, बट यहाँ पर वो फर्स्ट टाइम आई थी। तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी, बट मैं यही सोच रही थी कि जब मैं मेकओवर करने का मेरा प्लान है अभी 2-3 मतलब हमारा सेकेंड बेडरूम है और बाथरूम बचे हुए हैं तो तब मैं स्पेशली आऊँगी। अभी ऐसे पहले से मैं अननेसेसरी कुछ नहीं लेती हूँ। ये मुझे ट्रे बहुत पसंद आई थी गोल्डन वाली। और हम लोग कितनी बार आ चुके हैं, क्या 5 से 6 बार ना, 5 से 6 बार आए हुए कपल ऐसे बैठे हैं। और वो दोनों अभी एक्चुअली इस वाले आई के मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो बड़े एंथुजियास्टिक तरीके से उन लोगों की कटलरी सिलेक्शन चल रहा है। तो हम लोग थक गए तो हम बैठे हुए हैं, तुम लोग देखो आई तो वैसा। Best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you. इसको हम लोग घर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ मैं 8:30 पौने, मतलब सभी लोग बहुत थक गए क्योंकि हम सुबह 12 बजे के निकले थे एंड 8:45 पे हम लोग आए हैं। तो हम लोग गए थे पहले तो नाइकी के जो वो है कलेक्शन वहाँ देखने के लिए गए थे, डिसअपॉइंटमेंट हुआ। फिर हम आइकिया गए थे तो जैसा टेबल विक्की का है ना वैसा टेबल एक टीनू ने ख़रीदा है और साथ में और क्या लिया, एक तो टेबल लिया है और सूप बाउल्स लिए हैं और वाइन ग्लासेस लिए हैं और मैंने एक कैंडल ली है और ये जो वॉल मिरर्स होते हैं ना मैंने वो लिए, बताऊंगी मैं आपको। मुझे बाथरूम मेकओवर करना था तो उसके लिए मैंने लिया है, अभी नहीं करूंगी मैं, जब आऊंगी अगली बार तब करूंगी। तो हम लोग थक गए थे कि हम लोग है ना खाना खाने के लिए हमने खाना स्किप कर दिया था क्योंकि लंच, हालांकि हम खा पी के गए थे, हमने सोचा था कि हम 3:30-4 बजे तक आ जाएंगे बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो हम 6:30 बजे पहुँचे हैं घर, घर नहीं पहुँचे थाना पहुँचे। तो फिर हमने कहा चलो अब खा के चलते हैं। हम लोग वैना मॉल रुक गए थे, अब खुलता जिस रेस्टोरेंट में हम लोगों को खाना खाना था वहाँ वो खुलता 7:00 पे। हम आधे घंटे तक वेट करते रहे, बाहर बैठे रहे, जैसे ही वो खुला सबसे फर्स्ट घुसे और ऐसे खाना टूट पड़े हम लोग। तो अभी बस सोने की तैयारी हो रही है, अब यू ऑल नो दैट जैसे अभी हमारे यहाँ सिर्फ एक ही रूम में AC लगा हुआ है
बाकी के जो दो रूम्स हैं वहाँ पे एसी हमने नहीं लगाया, उसका रीज़न मैं आपको अभी थोड़े टाइम में बताऊंगी। आपको मैंने बताया था ना हम लेने वाले थे एसी, बट हमने अभी स्किप कर दिया, हम 3 मंथ्स और वेट कर रहे हैं। हम 2 एसी इकट्ठे लेने वाले हॉल के लिए और दूसरे रूम के लिए, तो क्योंकि एसी एक ही रूम में लगा और अभी मुंबई का वेदर अलाउ ही नहीं करता है आपको बिना एसी के रहने का, मतलब अभी वो दोनों भी कैसे रुकेंगे ना। तो हमने क्या किया है, हमने यहीं इसी रूम में बिस्तर कर लिया। तो आपको याद है ना मेरा जो सोफ़ा कम बेड था, तो हमारा जो बेड है वो किंग साइज बेड है, सोफ़ा कम बेड है वो बिछ गया। हम पहले यही सोच रहे थे बिछेगा कि नहीं बिछेगा, दिखाती हूँ। लोगों ने बेड लगा दिया है, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का यहाँ पर आया है। तो ये हमारा बेड लग गया और यहाँ पर हमारा, हमने यही सोचा था अगर ये नहीं लगता ना तो हम फिर वो वाला जो टेबल है उसको शिफ्ट करते बाहर, बेड को थोड़ा खसकाते और ये यहाँ पे लगाते ताकि एसी में सो सकें सब लोग। अब इसमें आराम से काफ़ी सारे लोग सो सकते हैं ना, अब आराम से हम लोग सो जाएंगे। तो वैसा है अभी, बस थोड़े दिन का और पेन है, उसके बाद हम लोग उसका परमानेंट सोल्यूशन करने वाले हैं। सेकेंड वाले रूम को पूरा मेकओवर भी मुझे अच्छे से करना ही है, तो वी आर फिगरिंग आउट। तो हमको जब करना है तो हम सोच रहे हैं ऐसे टुकड़ों में पैसे लगाएंगे ना तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो इससे बेटर है कि हम प्रॉपर बजटिंग करेंगे जो जो चीज़ें हमको करवानी है और फिर हम एक साथ खर्चा करेंगे। क्योंकि आप जैसे अभी जा करके हम 2 AC ले आए, फिर हमारा एक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो चेंज करने का चल रहा है तो वो भी हमको लेना है। तो हम लोग सोच रहे हैं एक साथ करेंगे, एक पर्टिकुलर लमसम अमाउंट निकालेंगे जितने का भी हमको निकालना होगा और फिर उससे सारी मेकओवर इलेक्ट्रिसिटी का काम जो जो भी करवाना है जो जो भी लेना है वो करेंगे। तो उससे ना बजट सही रहेगा, छोटे छोटे काम करा दे रहा हूँ तो वो खर्चा ज़्यादा होता जाता है वैसा है। तो यस, अभी तीनू गई है, हमारी जो सामने दीदी रहती हैं, मैंने आपको बताया था ना कि ये लोग विक्की के नेबर्स थे जब से, मतलब जब विक्की लोग बहुत छोटे थे, विक्की और टीनू बहुत छोटे थे तब से वो उनके नेबर्स थे। तो वो दीदी भी आफ्टर मैरिज उनने यहीं पर घर लिया, हमारे जस्ट घर के सामने रहती है। तो घर जैसे ही टीनू आती तो जाती है ज़रूर मिलने के लिए उनसे, पटती अच्छी अनु दीदी से। तो वो गई है, मैं तो नहीं, क्योंकि हम तो मिलते रहते हैं वैसा है। तो चलिए गाइज अब सोते हैं और फिर मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ, देखते हैं। कल का तो कुछ प्लान नहीं है, कल हम लोग घर पे रहने वाले हैं। एक्चुअली मेरे को ना एक आंख में आपको बहुत डार्कनेस दिख रही होगी, वो इसलिए दिख रही है कि मुझे डार्क सर्कल हो गया एक में और एक में नहीं, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि मैं लाइट में नहीं बैठी हूँ। ये देखो सब ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल। तो टीनू जो है वो जा चुकी है आज, अभी निकली है, थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, विक्की और मैं हम जा रहे हैं, आपको याद होगा ना मैंने बहुत सारा डीक्लटरिंग के लिए सामान निकाला था तो अभी तक मैं डोनेट करने जा नहीं पाई थी, तो बस वही सब हमने पीछे रखा हुआ है। तो कपड़े और ये सब दे रहे हैं, तो साथ में थोड़ा सा खाने पीने का जो सामान होता है ना, जैसे चावल गेहूं और ये सारी चीज़ें भी हम लोग दे करके आ रहे हैं, तो बस वही निकले हैं विक्की और हम दोनों। संडे है आज। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अपना जो ये है उसकी लोकेशन दीजिए, है ना, जो थाने में नहीं भी रहते हैं वो भी पूछ रहे हैं। तो आपको ये मैंने कैसे सर्च किया था यार, आजकल सबके पास गूगल अवेलेबल है, आप डालिए अपने गूगल में नियर बाय ऑर्फनेज, 100% होगा आप जहाँ रहते हैं उसके पास में ऑर्फनेज होते ही होते हैं, तो आप वहाँ डालिए, आपके आसपास जो ऑर्फनेज है वहाँ पर दे दीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया आपको वहीं आना है, बहुत ऑर्फनेजेस होते हैं तो आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। तो ये है वो ऑर्फनेज जहाँ पर मैं आती हूँ थाने में, और काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे में 2-3 में आती हूँ। ये तो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है तो यहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं। फिर हम लोग एक प्रॉपर्टी देखने के लिए चले गए थे, तो काफ़ी टाइम से ना विक्की के पास इनका कॉल आ रहा था, तो हम लोगों ने बोला चलो देख करके आते हैं। तो हम लोग 3 and 4 BHK देख रहे थे ऑब्वियसली, तो ये ना पूरा OC वगैरह सब कुछ रेडी है, मतलब रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। आपको पता ही, अगर हमको पसंद भी वही आती तो हम देखते भी वैसे ही हैं। तो काफ़ी पहले तो मैं सबसे ज़्यादा शॉक हो गई थी इनका प्राइस रेंज देख करके, बिकॉज इनका 2 BHK 2.06 crores के स्टार्टिंग था एंड 3 तो मतलब 3 के ऊपर चल रहा था, तो मैं प्राइस देख के शॉक हुई। तो हमने और इंटरेस्टेड हुए कि चलो देख के आते हैं भाई क्वालिटी कैसी है, टाटा का नाम चलता है। बट बाप रे, मैं देख करके इतना डिसअपॉइंट हुई थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब ये हमको कोई कम रेंज में भी दे रहा होता ना तो विक्की बोलता है इसको नहीं परचेस करके। आप सामने की वॉल देखिए, पूरी वॉल की जगह पे इन्हें ग्लास वॉल यूज़ करी हुई है जो कि बहुत रिस्की लग रही थी, या हाई राइज था। और ये 3 BHK मैं देख रही हूँ। इसका आप किचन का साइज़ देखिए, ये किचन का साइज़ मेरा 1 BHK किचन के बराबर जितना है, मतलब बहुत छोटे साइज़ का किचन था। मतलब मुझे ऐसा लगता है आप प्राइस अगर दे रहे हो, ठीक है आप हाई प्राइस दे रहे हो, तो उस प्राइस का जस्टिफिकेशन भी तो होना चाहिए फ्लैट के अंदर। तो किचन देख के मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। उसके बाद फिर जो हमको, मतलब ठीक है हो सकता है बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, टाटा का नाम चलता है, बट आप सारे रूम्स देखोगे ना तो सब में जो पूरी पूरी एक वॉल है वो पूरी ग्लास वॉल है, मतलब तो देख के भी बहुत वो लग रहा था मुझे। उसके बाद जो सेकेंड रूम्स हैं उनमें
वार्डरोब की स्पेस नहीं है, सिर्फ मास्टर बेडरूम और एक रूम में दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो मुझे तो हम दोनों को बिल्कुल जमा नहीं। तो हम लोगों ने फिर हमने कहा चलो ठीक है 4 BHK देखते हैं। 4 BHK थोड़ा सा पेंट हाउस स्टाइल में है, तो हम लोग फिर वो देखने के लिए गए। डेफिनेटली उन लोगों ने एमिनिटीज़ बहुत तामझाम और शूशा वाली करके रखी थी, बट अंदर जो स्पेस दिया हुआ था ना वो बहुत ही ज़्यादा कम था, मतलब जस्टिफाइड ही नहीं लग रहा था मुझे प्राइस का। सिर्फ शॉकिंग वाली चीज़ जो मेरे लिए ये थी कि भाई यहाँ पर मात्र 10 से 11 यूनिट्स ही बचे थे फ्लैट के, बाकी सब सेल हो चुके थे, मतलब लोग ले रहे हैं इतने एक्सपेंसिव भी। तो ये 4 BHK है, ये ड्यूप्लेक्स स्टाइल में 4 BHK, 2 BHK का नीचे और 2 BHK ऊपर, और बीच में से उन्होंने स्टेयर्स निकाल दिए ऐसा। तो ये 30th फ्लोर पे आई गेस था, 29th या 30th फ्लोर था। तो हम लोग वो भी हम लोगों ने देखा, साइज़ वगैरह सब चेक किए, बेडरूम्स वगैरह के और सारी चीज़ें, तो हम लोगों को तो इतना जमा नहीं। और दूसरी चीज़ चलो ठीक है जमना तो बहुत दूर की बात है, इसका जो 4 BHK का प्राइस है वो 6.25 CR था। मतलब यार 6.25 कोई हलवा होता है क्या? मतलब मैं तो सुन के इतनी शॉक हो गई थी, 2 BHK भी फिर मैं देख के आई, मैंने बोला चलो उनका 2 BHK भी देखते हैं, भाई 2.05 CR से स्टार्टिंग है तो देख के तो आऊँ क्या है उसमें ऐसा। इनफैक्ट इस प्रॉपर्टी की जो लोकेशन थी ना वो भी आइसोलेटेड थी, आसपास कुछ भी नहीं था इसके, फिर भी प्राइस इतना हाई क्यों था मुझे नहीं पता। ओके गाइस, मैं आपको दिखा दी हूँ कि मैं आइकिया से क्या क्या चीजें लेकर के आई थी। एक सेकेंड, बहुत बेसिक सा बड़ी कैंडल है, देखिए इट्स अ वेरी बिग कैंडल, मतलब इतनी बड़ी कैंडल मुझे मिली है 438 रुपीज़ में। और ऐसी 3 और कैंडल्स थी जो मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी, वो फिर मैंने जब बिलिंग करा रही थी ना तो बिलिंग थोड़ा मेरे बजट से ऊपर हो गया था, तो मैं उससे उसको भी रहने देती हूँ, ये लेती हूँ। और उसके बाद मैं मिरर्स लेके आई हूँ, अंदर रख दिए हैं यहाँ पे, ये रहा दिस इज़ द मिरर, देखिए आप इधर ही देखिए ऐसे वाले हेक्सागोनल स्टाइल में। और ये मैंने अंदर इसलिए रख दिया है क्योंकि आपको ये भी देख लिया मैंने पैक कर लिया, बिकॉज मैं जाने वाली हूँ और 3 दिन यहाँ पर हूँ, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगी, तो मैं धीरे धीरे वाइंड अप करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब जब मैं नेक्स्ट आऊँगी तब बाथरूम मेकओवर करूँगी, आपको बाथरूम मेकओवर देखने को मिल जाएगा मेरा। हमारा सेकेंड रूम है, उसमें भी हमको 2 फर्नीचर बनवाने हैं, एक तो हमको सोफ़ा कम बेड सोच रहे हम लोग बनवाने का, और दूसरा हमको एक पूरी यूनिट बनवानी है, तो वो हमको काम करवाना रहेगा। तो वो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आने वाली हूँ तब मैं इकट्ठा काम करवाऊँगी। तो अभी मैं भोपाल जाऊँगी तो मैं थोड़ा लंबा आऊँगी, मतलब इस बार क्या हुआ ना, इस बार तो मैं खैर दूसरे फंक्शन के लिए आई थी जो मैंने आपको बताई दिया, तो बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे जस्ट एरिया में रहती हैं, उनसे बहुत सारा मिलना पेंडिंग है, मतलब बहुत टाइम से मिलना पेंडिंग है, बहुत सारा बोल रही हूँ। तो उसमें से एक मेरी सब्सक्राइबर है अदिति, शी जस्ट बॉट होम इन आर ओन एरिया, तो उसने जब घर लिया था आई थिंक 6 महीने हो गए उसको घर लिए हुए, तो उसने दिखाया भी था, वो मेरे से डिस्कस करती भी रहती थी, तो उसने घर लिया है तो वो मुझे देखने के लिए जाना। तो इस बार हो गया था हमारा मिलने का प्लान, बट ऑल ऑफ अ सडन मुझे काम आ गया था तो हमारा प्लान कैंसिल हो गया। फिर कानिका से मैं मिलने जाने वाली थी, बट फिर वही हुआ कि बहुत ज़्यादा घिचपिच था, तो वो भी बोल रहे कि यार हम लोग जब मिलते हैं ना तो अच्छा लंबा मिलते हैं, तो वो बोलती यार जल्दबाजी में नहीं आना, आराम से जब फ्री हो जाओ तब आना। तो मैंने बोला ठीक है फिर मैं नेक्स्ट टाइम आती हूँ तो मैं फ्री रहूँगी, तब आई विल मीट विद ईच वन ऑफ यू, क्योंकि अब जब भी मैं आती हूँ ना तो अब लंबा आने लगी हूँ मैं थोड़ा, जैसे इस बार मैं काफ़ी लंबा 1 महीने से ऊपर रुक गई हूँ, तो ऐसे अब मैं नेक्स्ट टाइम भी जब भी आऊँगी तो लंबा ही आऊँगी, बिकॉज पापा से रिलेटेड अभी मैं कुछ नहीं बताती, मैं आपको सीधे सीधे एक पूरा वीडियो बनाने का सोचा है मैंने, लेट्स सी वो कब बनाती हूँ। ऑल्सो आज का जो व्लॉग है ना वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। फैन बन करके बैठी हूँ इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो नया वीडियो जल्दी ही स्टार्ट करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन बाय।